हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे मैप मेकिंग की क्लासेस। फटाफट स्टार्ट करते हैं इसकी। आज लोकेशन पहले देखेंगे, फिर उसके बाद से स्टार्ट करेंगे उसके डिस्कशन के बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन, ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है जो प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल है। यू कैन यूज दीज कोर्सेज फॉर योर बेटर preparation of UPSC civil services examination. You can also subscribe us for test series and these are the available test series. So ये कुछ locations थी जो day 19 के लिए है। basically ये day 19 है और यहाँ पर locations थी जिसमें श्री हरुकेटा हो गई, फिर विलिंगटन आइलैंड हो गया, दीव आइलैंड हो गया, मिनिकॉय आइलैंड, कवरती एंड अगाती आइलैंड बेसिकली हो जाते हैं हमारे पास। श्री हरिकोटा के बारे में बात करेंगे तो श्री हरुकोटा ये आ जाती है हमारी आंध्र प्रदेश पुलिकट लेक के पास में, विलिंगटन आ जाती है केरला के पास में, दीव आइलैंड हो जाता है दमन दीव के पास में, दमन एंड दीव की पार्ट हो जाती है, फिर मिनिकॉय आइलैंड हो जाता है ये लक्षद्वीप के पास में हो जाती है, कवरती और अगाती ये सारे के सारे लक्षद्वीप का ही पार्ट हो जा रहे होते हैं। फटाफट इसकी लोकेशन को लोकेट करते हैं और उसके बाद से इसका डिस्कशन पे आते हैं। तो हो गई हमारी इंडिया का मैप। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी पुलिकट लेक और आप श्री हरिकोटा यहाँ पर आप बना देंगे। दिस इज श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा यहाँ पर बना देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां पर आप बना देंगे, देखिए दीव, ये है आपका दीव, दिस इज योर दीव। सिमिलरली यहां पर आप आ जाएंगे केरला के पास में ही तो यहीं पर आपको मिल जाएगी वेलिंगटन आइलैंड, दिस इज वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन। इसी के अलावा अब आगे बढ़ेंगे अगर तो आगे हमारे पास बाकी के सारे लाइन से आइलैंड आ जाएंगे। लाइक सबसे नीचे ही आपको जो दिख रहा है ये हो जाती है मिनिकॉय, दिस इज मिनिकॉय यहां पर है आपकी। फिर बाकी लाइन से बहुत सारे आइलैंड है जो इसमें लिखे भी नहीं है वो भी आप लोग याद रखिए। जैसे सबसे पहले है चिली लक CHELETE, फिर उसके बाद है बित्रा। ये देखिए लाइन से सारे के सारे लक्षद्वीप के ही पार्ट हो जाते हैं, लक्षद्वीप यूटी के, यूनियन टेरिटरी के हो जाते हैं पार्ट। नेक्स्ट है किल्टन, इसके अलावा एंड्रॉइड, ANDROIT, एंड्रॉइड हो जाता है, बाकी मैं यहां लिख देता हूं एंड्रॉइड हो गया। एंड्रॉइड के अलावा हो जाता है कालपेनी, कालपेनी। इसके अलावा हो जाती है अगाती आईलैंड जो कि अभी हम लोगों ने देखा ही है। नेक्स्ट हो जाती है कवरती, कवरती। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज चिल्लाती, फिर उसके बाद है बित्रा, फिर उसके बाद हो जाती है किल्टन, फिर हो जाती है एंड्रॉइड, फिर हो जाती है कालपेनी एंड अगाती एंड कवरती। ठीक है, मिनिकॉय लास्ट वाली हो जाती है जो कि इसका पार्ट है। मिनिकॉय से जस्ट नीचे आ जाती है और वो आ जाती है आपकी मालदीव्स। इन दोनों को अलग करने वाली जो लाइन है वो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो चैनल है। इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट अलग अलग कर देती है। एक और है न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर जो है आपको यहां पर मिलेगा, दिस इज न्यू मूर, न्यू मूर है यहां पर। इसी तरीके से हम लोग यहां पर देखे थे माजुली, ये हमारी माजुली थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा हुआ था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहे होते हैं। फटाफट इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले कवरती आइलैंड के बारे में बात करें तो आइलैंड इज पार्ट ऑफ लक्षद्वीप कोस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, तो केरला के पास में ही ये आ जा रहा होता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप की पार्ट बन जाती है ये। द टेरिटोरियल कैपिटल कवरती इज लोकेटेड हियर, इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूटी कैपिटल इन इंडिया, स्मॉलेस्ट होता है इसमें कोई डाउट नहीं है। अगाती आइलैंड अगेन जो है ये यूटी ऑफ लक्षद्वीप के पास में हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पास में एयर स्ट्रिप है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इट इज कनेक्टेड टू कोची शिपयार्ड एंड वन ऑफ द आइलैंड विच हैज लिमिटेड कनेक्टिविटी विद द मेनलैंड, तो ये मिनिमम कनेक्टिविटी हो जा रही होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए श्री हरिकोटा आइलैंड के बारे में है। श्री हरिकोटा इट इज अ बैरियर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इट सेपरेट पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, इट इज ऑल्सो हाउस टू इंडिया ओनली सेटेलाइट लॉन्च सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर। और यही जो होती है यहां से इसरो जो होती है अपनी जो भी लॉन्च व्हीकल्स वगैरह छोड़ना होता है या सेटेलाइट छोड़ना होता है वो यहीं से लॉन्च किया जा रहा होता है। नेक्स्ट होती है विलिंगटन आइलैंड, ये नाम रखी गई है वायसराय और जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन उनके नाम पर रखी गई थी। कोची के पास में है और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है केरला का। अब फिलहाल में यहां पर नेवी का हेडक्वार्टर बना दिया गया है और यहीं से वर्किंग जो भी चलती है वो कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है। नेक्स्ट आती है हमारी दीव आइलैंड, दीव आइलैंड का मतलब क्या है, ये जो है दमन दीव यूटी का पार्ट है, हालांकि दमन एंड दीव को दादर नगर हवेली के साथ में मिला दिया गया है, एक तरह एक अमलगमेशन कर दिया गया है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सदर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द पेनिनसुला ऑफ काठियावाड़ इन गुजरात बाय अ नैरो चैनल थ्रू अ कंसिडरेबल स्वैम, तो ये हमारी अगर गुजरात है यहीं पर दीव पाया जा रहा होता है, तो ये दीव की लोकेशन है, बाकी दमन इधर आ जाता है।
बाकी है मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय के बारे में तो आप लोग समझ ही गए हैं कि ये 8 डिग्री चैनल से सेपरेट हो रहा होता है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्कादीव या लक्षद्वीप आर्किपेलागो नॉर्थ ऑफ मालदीव। इन दोनों को डिवाइड करने वाली 8 डिग्री चैनल अभी हम लोगों ने देखा ही है। नियरेस्ट आइलैंड कौन सी है? थिरुकुनु है, जो कि रिपब्लिक ऑफ मालदीव की पार्ट हो जा रही होती है। द आइलैंड इज पार्ट ऑफ यूटी ऑफ लक्षद्वीप। बस काम खत्म हो गया। दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। फटाफट देख लेते हैं डे 20 की यहां पर कौन सी लोकेशन है। डे 20 देख लेते हैं, तो आपको लोकेट करना है कुबल आइलैंड के बारे में, न्यू मूर आइलैंड के बारे में, क्रॉस आइलैंड के बारे में, ऑयस्टर रॉक आइलैंड के बारे में और कवाई आइलैंड के बारे में। तो बेसिकली ये कुछ लोकेशन है जिनको आप लोग लोकेट करिएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं 30 वर्ड 40 वर्ड, जो भी लिखना है आप लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम या हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आपको इवैल्यूएटेड शीट आपको मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक लिखी हुई है, ज्वाइन करके उसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।